हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से यूट्यूब चैनल पे मैं शैलेंद्र सिंह सिनवार आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। उम्मीद करता हूं आप लोगों के दीपावली का त्यौहार अपने परिवार के संग में हंसी खुशी मना रहे होंगे और सबसे बड़ी बात सुरक्षित होंगे। तो आज संजीवनी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है अगेन थ्योरी टॉपिक, और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, कंटेंट है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने वाला, फ्लक्चुएट होने वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम कवरिंग करता है, हर पेपर में आता है अपना पॉइंट। जो आज हम आपको थ्योरेटिकली एक एक चीज़ को क्लियर करवाएंगे आप लोगों को, तो तैयार हो जाइए क्लासेस को ढंग से लेने के लिए, और क्लासेस के संग में पेन और कॉपी को भी अपने पास में रखें ताकि आप लोग उन क्लासेस को ढंग से राइट डाउन भी कर सकें। तो क्लास शुरू करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेज। टुडे इज अ टॉपिक आर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। और इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के अंदर हम आज पढ़ेंगे पोटेशियम को। किसको क्लियर करेंगे आज अपन लोग? पोटेशियम को। तो यहां पर बेसिकली अपना जो कंपोनेंट रहेगा वो पोटेशियम को लेकर के होगा, पोटेशियम। क्लियर? तो यहां पर अपन अपने पॉइंट को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं अपन लोग पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम को नॉर्मल थेरापेटिक रेंज कितनी होती है पोटेशियम की? पोटेशियम की नॉर्मल थेरापेटिक रेंज होती है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पॉइंट पे समझनी है हर चीज बात को आपको। MEQ मतलब मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि पोटेशियम के नॉर्मल वैल्यूएशन क्या हुई, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर बिलो 3.5 हो, मतलब वैन सीरम पोटेशियम वैल्यू बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये कंडीशन क्या होगी। और अगर बात करें वैन सीरम पोटेशियम वैल्यू अबव 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये कंडीशन क्या होगी। अच्छी तरीके से आप लोगों को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन भी आता है, और वो है इस कंडीशन को बोलेंगे अपन हाइपोकैलेमिया। क्या बोलेंगे अपन लोग? हाइपोकैलेमिया। और यहाँ पर इस कंडीशन को अपन क्या बोलने वाले हैं? इस कंडीशन को बोलेंगे अपन हाइपरकैलेमिया। क्या बोलेंगे अपन इसे? हाइपरकैलेमिया। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट यहां पर अपन को जो चीज समझनी है, उसके अंदर आपको क्लियर कर, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है pH is proportional to 1 upon k। समझ रहे हैं आपको? दूसरे नंबर पर अपन को जानना है सोडियम इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon k। क्लियर? इन दोनों कंटेंटों को समझना है। अगर ये आपसे पूछे कि क्या ये pH इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon k, मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या pH बढ़ेगी तो पोटेशियम घटेगा, ये पूछना चाह रहा है, या फिर ये बोल रहा है कि सोडियम जब बढ़ता है तो पोटेशियम क्या होता है, घटता है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहां पर इन दोनों चीजों को पहले अपन लोग क्लियर करेंगे। क्लियर? यहां पर आपके सामने दो सूत्र दे रखे हैं, इनको आपको ढंग से क्लियर करना है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर अपन सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, और सबसे पहली बात क्या है कि pH इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon k। इसका मतलब pH जब बढ़ेगा तो पोटेशियम क्या होगा, घटेगा। इस सूत्र को पहले क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात है, हाइड्रोजन और पोटेशियम के मध्य में क्या होता है दोस्तों? रिलेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और पोटेशियम के मध्य में रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब नाता। जब हाइड्रोजन क्या होगा और पोटेशियम क्या होगा, इन दोनों के मध्य में कुछ रिलेशनशिप मेंटेन होगी। कैसे? ये कुछ कंटेंट है, आपने अगर ये समझ लिया तो पोटेशियम के किसी प्रकार के भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाए आप लोग तुरंत उनको सॉल्व कर देंगे, किसी प्रकार से भी। वो क्वेश्चन भी क्या बनेंगे वो भी मैं आपको अभी अपडेट करके बताऊंगा। क्यों अपन इलेक्ट्रोलाइट बनते पढ़ते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, किस प्रकार के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो कंडीशंस आती है उस पर अपन किस प्रकार से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रखते हैं, वो भी मैं भी आज की क्लास में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन और पोटेशियम के रिलेशनशिप की बात करते हैं। सबसे बेसिक बात करना चाहूंगा मैं आप लोगों से, सबसे बेसिक बात
कि जो अपन बोलते हैं कि पेशेंट को कोई क्या हुआ है, एसिडोसिस हुआ है, या फिर अपन बोलते हैं पेशेंट को क्या हुआ है, एल्कालोसिस हुआ है, या फिर अपन बोलते हैं पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हुआ है, ये और पेशेंट को हाइपरमैग्नीशेमिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशंस को याद करते हैं, सबके अंदर लिख देते हैं। एसिडोसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, पीएच घट जाती है, समझ रहे हैं। एल्कालोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाते हैं और पीएच बढ़ जाती है। और बोले पोटेशियम में क्या होता है, तो पोटेशियम सीरम कैल्शियम पोटेशियम वैल्यू बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली डेफिनेशन तो पता है, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है ये हमको अभी जानना पड़ेगा, इनका अर्थ क्या होता है ये हमको आज जानना पड़ेगा। तो एसिडोसिस की अगर मैं बात करूं, तो एसिडोसिस क्या है, सभी प्रकार के इम्बेलेंस आपको कहां देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर देखने मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं, ये हो गई आपकी सेल, ये क्या है, ये है सेल, सेल के बाहर क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, सेल के अंदर क्या हुआ, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। मैंने बोला किसी भी प्रकार का इम्बेलेंस होगा, कहां पर देखने को मिलेगा आपको, वो आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। कंटेंट को समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए कि किसी पेशेंट का एसिडोसिस हो रहा है, तो इससे आप अर्थ क्या निकालोगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कौन ज्यादा हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं। जो भी इम्बेलेंस होगा वो कहां पर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा। आपको कंटेंट को समझना है, रटना नहीं है हमारे संग में। यहां पर आपके पास में सेल, सेल के बाहर, सेल के बाहर अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाए, तो अब आप खुद ब खुद कमेंट सेक्शन में डालिए कि इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप लोग। ये जो डायग्राम बन रहा है ये डायग्राम कहलाएगा, सबको पता है ये डायग्राम क्या कहलाएगा, तो कमेंट सेक्शन में भी डालते चले। इस कंडीशन को बोलेंगे आप लोग एल्कालोसिस। अब बात करें आपको हाइपरकैलेमिया के लिए क्या बनेगा, तो आप एक बार सोचिए, ये आपके सामने सेल हो गई और सेल के बाहर कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, सेल के बाहर इस प्रकार से पोटेशियम इकट्ठे हो जाए, क्या इकट्ठे हो जाए, पोटेशियम कलेक्ट हो जाए। इस डायग्राम को क्या बोलेंगे आप लोग, इस डायग्राम को बोलेंगे आप हाइपरकैलेमिया। एम आई क्लियर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी इम्बलेंस होगा वो सेल के बाहर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होगा। कंडीशन पहले ये समझिए। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, हाइपर मैग्नीशेमिया, तो ये रही आपका हाथ में सेल। अब हाइपर मैग्नीशेमिया का मतलब क्या हुआ, ये लीजिए, ये मैग्नीशियम कहां पर आ गए, सेल के बाहर आ गए, क्लियर। तो ये सारे डायग्राम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी हो कि अगर सर ये तो आपने हाइपर का बता दिया, एक और बता दो, तो अपन बोले अगर हाइपोकैलेमिया, ये हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, अब आप लोग को पता है कि सीरम पोटेशियम वैल्यू 3.5 से कम होना, कैसे बताएंगे सीरम में, तो यहां पर अपन बोलेंगे ये हो गई आपकी सेल, और सेल के बाहर पोटेशियम कम हो रहा है, तो अपन यहां पर रख देंगे पोटेशियम को अंदर, मतलब सेल के बाहर क्या हो गया है, पोटेशियम क्या हो गया है, कम हो गया है, तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी, हाइपोकैलेमिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी इम्बेलेंसेज होंगे वो सारे कहां पर काउंट किए जाएंगे, सेल के बाहर काउंट किए जाएंगे, चाहे तो एसिडोसिस हो, एल्कालोसिस हो, हाइपरनेट्रेमिया हो, हाइपरमैग्नीशियमिया हो, हाइपरकैलेमिया हो और हाइपोकैलेमिया हो, क्लियर। अब मैं बात करता हूं आपके सामने जो कंटेंट था, हाइड्रोजन और पोटेशियम में रिलेशन होता है, किस किस में, हाइड्रोजन और पोटेशियम में क्या होता है, नाता होता है, कैसे समझने की कोशिश करेगा। एक नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य का अगर मैं सेल की बात करूं, ये नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य के सेल है, और ये इस प्रकार से क्या है, यहां पर हाइड्रोजन पोटेशियम बढ़िया मात्रा में, समान मात्रा में, एक्स्ट्रा सेलुलरली और इंट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है। देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, कंटेंट को रटना नहीं है, कंटेंट को समझना है, क्यों, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपका जो एनालिसिस होगा वही ट्रीटमेंट होगा किसी पेशेंट के लिए, और जो आपका एनालिसिस होगा वही आंसर होगा आपके कैरियर के लिए। तो कंटेंटों को ढंग से समझेंगे, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वस्थ मनुष्य की नॉर्मल सेल है, इसके अंदर हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन समान मात्रा में प्रेजेंट है। अब यहां पर दो नियम लगते हैं। पहला नियम क्या है, जब हाइड्रोजन आयन इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा, गौर से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम सेल के अंदर का बोला इंट्रा सेलुलर, तो जब हाइड्रोजन आयन इंट्रा से एक्स्ट्रा में आएगा तो इसकी जगह लेने के लिए पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा से कहां जाएगा, इंट्रा में जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट। मैंने ऑरेंज कलर का बनाया है, और ऑरेंज कलर में पहली लाइन क्या लिख रहा हूं मैं, कि जब हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट नहीं, जब हाइड्रोजन आयन इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आएगा तो क्या होगा, पोटेशियम आयन
इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से कहां आ रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आ रहा है, तो पोटेशियम आयन कहां से कहां जाएगा, एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से कहां जाएगा, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगा। पहली लाइन तो आपको ये समझ लेनी है, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पे पिंक कलर को इंडिकेट कर रहा हूं, जब हाइड्रोजन आयन कहां से, हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से कहां जाएगा, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगा। तो पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आएगा, इसको मैं पिंक कलर से लिख रहा हूं। जब हाइड्रोजन आयन मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाइड्रोजन आयनों का मूवमेंट होगा कहां से कहां, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, क्लियर। तब क्या होगा, तब पोटेशियम का मूवमेंट कहां से कहां होगा, पोटेशियम मूवमेंट होगा इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। ये क्या है, ये दूसरा नियम है और ये ही क्या होता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम का रिलेशनशिप। दो कलर से समझाया, समझने की कोशिश करेगा, बहुत आगे आपको जरूरत पड़ेगी। जब दोबारा समझा देता हूँ, हाइड्रोजन आयन जब इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर से पोटेशियम आयन कहाँ जाता है, इंट्रा सेलुलर में जाता है। फेमस कंडीशन वाइस वर्सा, जब हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा से इंट्रा में जाएगा तो पोटेशियम आयन इंट्रा से एक्स्ट्रा में आएगा, उसकी जगह को रिप्लेस करेगा। समझ रहे हैं बात को। अब बात करते हैं सबसे पहली कि कंडीशन दे रखी है, मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या हुआ है, एल्कालोसिस हुआ है, क्या हुआ है, एल्कालोसिस हुआ है। तो एल्कालोसिस का डायग्राम क्या बनेगा, आप सबको पता है एल्कालोसिस के डायग्राम के अंदर, ये देखिए आपके सामने ये सेल हो गई और सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, जैसा अभी पहले पूछा ही था आप लोगों से, कि ये कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही है, ये कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही है, तो आप बोलेंगे ये बाइकार्बोनेट्स को इंडिकेट कर रही है एल्कालोसिस। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपके सामने बाइकार्बोनेट्स अवेलेबल है, तो इसे क्या बोलेंगे आप लोग, एल्कालोसिस। समझ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, यहां पे बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा हाइड्रोजन आयन। ये अंदर से हाइड्रोजन आयन कहां पर आएंगे, बाहर आएंगे, अंदर से मतलब इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से कहां जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगा और कंडीशन को ट्रीट कर देगा, ये बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्लियर कट। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, तो अब इस कंडीशन में पोटेशियम कहां जाएगा, पोटेशियम कहां जाएगा, ये देखिए पोटेशियम कहां जाएगा, एक्स्ट्रा से इंट्रा में जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट्स तो ट्रीट हो जाएंगे, लेकिन पेशेंट को संग में हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब पीएच बढ़ेगी तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। समझ में आई या नहीं आई बात, ये यहां पर मैंने इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब दूसरी बात करूं मैं आप लोगों से, एसिडोसिस की कंडीशन में क्या नया होने वाला है दोस्तों, तो एसिडोसिस की कंडीशन में ये सेल और सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ये रहे आपके पास में हाइड्रोजन आयन, क्लियर। अब गौर से समझिएगा, अब गौर देने की बात यह है कि हाइड्रोजन आयन अंदर इंट्रासेलुलर में बाइकार्बोनेट्स तो अवेलेबल है नहीं, तो बाइकार्बोनेट्स बाहर आकर के और हाइड्रोजन आयनों को न्यूट्रलाइज कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर बाइकार्बोनेट्स होती नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये सेल्फली कंपेंसेट होकर के एसिडोसिस कंडीशन में ये सेल के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से पता है जब हाइड्रोजन आयनों का मूवमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाएगा तो कंपेंसेटरी पोटेशियम आयन कहां पर आएंगे, बाहर आने लग जाएंगे। एम आई क्लियर और नॉट। और इस पेशेंट के अंदर एसिडोसिस तो ठीक हो जाएगा, लेकिन संग में क्या देखने को मिलेगा, इस पेशेंट को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। एम आई क्लियर और नॉट। इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इस पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया देखने को मिल रहा है। मतलब जब किसी पेशेंट को एसिडोसिस होगा तो संग में क्या देखने को मिलेगा,
हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। सबसे बेसिक बात आप लोगों ने समझ चुके हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आप लोगों ने दो चीज समझ ली। एक चीज समझी आपने एल्कालोसिस में क्या होता है, तो आप तुरंत आंसर देंगे एल्कालोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है। दूसरे नंबर पे एसिडोसिस में क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है। तीसरा सूत्र है सोडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, इसका मतलब एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट पूछ रहा है। किसका इफेक्ट पूछ रहा है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट पूछ रहा है। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रिलीज कहां से होता है, ये रिलीज कहां से होता है, ये रिलीज होता है आपके सामने एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से। कहां से? एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से रिलीज होगा, लेकिन वर्क कहां पर करेगा? वर्क करेगा रीनल ट्यूब्यूल्स पे। कहां पर वर्क करेगा? रीनल ट्यूब्यूल्स पे। क्या वर्क करेगा भैया? ये करेगा कि एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या कर देगा? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। कहां पे बढ़ा देगा? रीनल ट्यूब्यूल्स पे। दूसरे नंबर पे पोटेशियम का एक्सक्रिएशन बढ़ा देगा, इसका मतलब पोटेशियम को क्या कर देगा? घटा देगा। तो फाइनली अगर अपन बोले एक ही लाइन में, तो इसका मतलब है सोडियम को बढ़ाता है तथा पोटेशियम को घटाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात है? तो ये तीनों चीजें आप लोग को पता चली है, ये बस इन तीनों चीजों को याद रखें और आगे की तरफ बढ़ें। समझ रहे हैं बात को? एल्डोस्टेरोन, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहली बात करते हैं अपन, कंटेंटों में कंटेंट समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इंक्रीजेज इनटेक ऑफ, अगर मैं बात करूं इंक्रीजेज इनटेक ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। केस लेते हैं पहला केस लेते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइडों का सेवन क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सेवन ज्यादा करने से क्या होगा? सबसे पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एम आई क्लियर और नॉट? तो आपको पता होना चाहिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम क्या होता है, आप बोलेंगे एल्डोस्टेरोन। और अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को कि एल्डोस्टेरोन क्या वर्क करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम का लेवल या रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है रीनल ट्यूब्यूल्स पे, और पोटेशियम का एक्सक्रिएशन क्या कर देता है, घटा देता है। इसका मतलब फाइनली बात करें कि जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, तो पोटेशियम क्या होगा, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं कुशिंग डिजीज कंडीशन। क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई? तो कुशिंग डिजीज में क्या होगा? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बोले हैं कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। समझ रहे हैं बात को? इसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा? पोटेशियम की वैल्यूएशन कम देखने को मिलेगी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है कॉन्स डिजीज कंडीशन। समझ रहे हैं बात को? तो हमने पहला ही यूज किया है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के ज्यादा सेवन करने से, एक्सेसिव यूज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेस मींस एल्डोस्टेरोन का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एल्डोस्टेरोन का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो सोडियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम घट जाएगा। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं अपन एल्डोस्टेरोन इफेक्ट। क्या बोलते हैं अपन इसे? एल्डोस्टेरोन इफेक्ट। और यहां पर एल्डोस्टेरोन का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब दो बीमारियों के नाम लिख लेते हैं अपन इससे संबंधित, एक तो हो गई कुशिंग और एक हो गई कॉन्स। कॉन्स मतलब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब दूसरे की बात करें, आपको बोला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कितने प्रकार के हैं दोस्तों? पहला है मिनरेलो, ये आपके सामने क्लियर कर ही दिया मिनरेलो। और दूसरा क्या है? ग्लूको। दूसरा क्या है? ग्लूको। तो ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स के कारण से कैसे होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्या चक्कर है दीपावली पे आप लोग का? बिल्कुल सम्मान कर रहा है ये आपके सामने जो बोर्ड है, समझ रहे हैं बात को? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सेवन से क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सेवन से क्या होने वाला है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सेवन से क्या होगा? ग्लूकोज का वैल्यूएशन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और इस ग्लूकोज को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ग्लूकोज किसके द्वारा ग्लाइकोजन में चेंज होता है? आप सबको पता है कि ये चेंज होगा इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। समझ रहे हैं? तो जब कोई पेशेंट एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा होगा तो उसका ग्लूकोज वैल्यूएशन बढ़ेगा, और इस ग्लूकोज को शिफ्ट करने के लिए कंपेंसेटरी अपने आप क्या होगा? इंसुलिन आगे बढ़ेगा। इंसुलिन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। समझ रहे हैं बात को? तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, इससे ग्लूकोज किस में चेंज हो जाए? ग्लाइकोजन में चेंज हो जाए। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट, या फिर बोले इसका प्राइमरी इफेक्ट। बात करें सेकेंडरी इफेक्ट की। किसके सेकेंडरी इफेक्ट की दोस्तों? किसके सेकेंडरी इफेक्ट की? इंसुलिन के सेकेंडरी इफेक्ट की। गौर से समझिएगा, इंसुलिन का प्राइमरी इफेक्ट क्या है? कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके ग्लूकोज की वैल्यूएशन को घटाएगा। इंसुलिन का सेकेंडरी इफेक्ट क्या है? सेकेंडरी इफेक्ट है ये क्या करेगा, पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से कहां पर लेकर के आएगा? इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में लेकर के आएगा। मतलब ये मान लीजिए कि कोई पेशेंट है और उस पेशेंट के बाहर क्या है, पोटेशियम ही पोटेशियम अवेलेबल है। तो यहां पर जब किसी पेशेंट को आप लोग क्या दें? इंसुलिन दें। क्या दें आप लोग? इंसुलिन देंगे। तो ये इंसुलिन क्या करेगी, इस पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से पकड़ के कहां ले आएगी? इंट्रा सेलुलर में लेकर के आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से ये इंसुलिन क्या कर रही है, पोटेशियम को ट्रीट कर रही है। तो इंसुलिन के दो कार्य होते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इंसुलिन प्राइमरी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगी, पर सेकेंडरी इफेक्ट भी आपको याद रखना है कि सेकेंडरी इफेक्ट के अंतर्गत यह क्या करेगी, पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में लेकर के जाएगी। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कोई पेशेंट है जो ज्यादा क्या कर रहा है, प्रेडनिसोलोन ले रहा है, या ज्यादा कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, समझ रहे, कोई डेक्सामेथासोन ले रहा है, किसी प्रकार का कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, क्या ले रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, तो याद रखिएगा उस पेशेंट के अंदर किसकी संभावना ज्यादा रहेगी? तो याद रखिएगा उस पेशेंट के अंदर किसकी संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम के कम होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की वैल्यूएशन बढ़ेगी, कंपेंसेटरी इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन ग्लूकोज को तो कम कर देगा लेकिन क्या करेगा, पोटेशियम को भी कम करेगा। तो यहां पर इस पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट को क्लियर यहां पर आपके सामने पोटेशियम को शिफ्ट करेगा, समझ रहे हैं, और हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करेगा, या फिर एक्सेसिव अमाउंट में उसको डायग्नोस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक्सेसिव यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सेवन के कारण से पोटेशियम का इफेक्ट भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे अल्कोहल कंज्यूप्शन। किसका? अल्कोहल कंज्यूप्शन, इसे बोलते हैं सोमरस का पान। क्या करते हैं? सोमरस का पान। ये वो पान नहीं है जो कि महादेव जी ने क्या बोला कि ये देवता, और उसमें बोलते हैं देवता और वो दानव होते हैं ना, उन्होंने वो पीते थे, वो नहीं है, ये वो वाला सोमरस नहीं है, ये नया प्रकार का है। समझ रहे हैं बात को? आजकल लोगों का एथिल अल्कोहल है, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर जब पेशेंट क्या करता है, अल्कोहल कंज्यूप्शन करता है, तो अल्कोहल पीने के बाद में उसको क्या होता है कि नॉक्चूरिया होता है। बोले नॉक्चूरिया का मतलब क्या होता है, नाइट के अंदर एक्सेसिव यूरिनेशन। तो साहब रात को ही क्यों होता है, क्योंकि वो पीता ही शाम के टाइम है, समझ रहे हैं बात को? तो नॉक्चूरिया होता है। नॉक्चूरिया क्यों होता है, नॉक्चूरिया क्यों होता है, उस कंसेप्ट पे अगर अपन बात करें, तो अल्कोहल जब पीता है कोई पेशेंट, तो अल्कोहल पीने से क्या होता है आपके सामने, जब कोई पेशेंट अल्कोहल पिएगा तो यहां पर क्या होगा, उसका ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। क्या होंगे? ऑस्मो रिसेप्टर्स ट्रिगर होंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होंगे, ट्रिगर्ड होंगे। और जब ऑस्मो रिसेप्टर्स ट्रिगर्ड होगा तो ADH क्या होगा, एंटीडायुरेटिक हार्मोन का क्या होगा, सप्रेशन होगा। और जब एंटीडायुरेटिक हार्मोन का सप्रेशन होगा तो क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। अब ये पॉलीयूरिया कब होगा, नाइट में होगा, तभी इसको क्या बोलेंगे, नॉक्चूरिया होगा। क्या होगा, नॉक्चूरिया होगा। एम आई क्लियर और नॉट? इसलिए बोलते हैं ज्यादा ड्रिंक करने से क्या होता है, नॉक्चूरिया होता है। हमारा कंटेंट ये है कि कोई पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहा हो, या फिर कोई पेशेंट क्या है एक्सेसिव पॉलीयूरिया कर रहा हो, या फिर जिसके अंदर यूरिन का लॉस ज्यादा हो रहा हो, इन सब कंडीशंस में क्या होता है, पोटेशियम लूज हो जाता है, पोटेशियम लीक हो जाता है। कहां पे लीक हो जाता है, लीक इनटू द यूरिन, लीक इनटू द
यूरिन एम आई क्लियर और नॉट। तो अगर कोई पेशेंट कोई आपसे पूछे कि अल्कोहल कंजप्शन के कारण से क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल कंजप्शन के कारण से पेशेंट के अंदर नॉक्चूरिया होगा, पोटेशियम यूरिन में लीक हो जाएगा। अगर आप लोगों से कोई नेक्स्ट पूछ ले कि भैया चलो ठीक है ये बताओ तुम मेरे को कि कोई पेशेंट फ्यूरोसेमाइड ले रहा है, लूप डायुरेटिक्स ले रहा है, फ्यूरोसेमाइड ले रहा है, लूप डायुरेटिक्स ले रहा है, क्या ले रहा है, लूप डायुरेटिक्स ले रहा है, तो यहां पर भी आप लोगों को पता चलना चाहिए पेशेंट का यूरिन पास आउट होगा। पेशेंट में एक्सेसिव यूरिन पास आउट करेगा तो पोटेशियम यूरिन के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपके पास में क्वेश्चन कंटिन्यूसली एम्स में चल रहा है, ऋषिकेश 2018 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर पूछा गया था कि कोई पेशेंट फ्यूरोसेमाइड की थेरेपी पर है उसको निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ खाने के लिए दोगे, तो उसमें आंसर था बनाना। वो क्यों देंगे बनाना खाने के लिए, क्योंकि रेशनल आपको पता होना चाहिए कि कोई पेशेंट है फ्यूरोसेमाइड पर है या फिर लूप डायुरेटिक्स में है, तो वो यूरिन के रूप में उसमें क्या जा रहा है, पोटेशियम लीक हो रहा है, तो रिच अमाउंट ऑफ पोटेशियम सोर्स होगा आपके पास में बनाना, और आप उसको भोजन के लिए क्या देंगे, बनाना देंगे। समझ रहे हैं बात को। आगे की तरफ मजेदार कंटेंट पे बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे होता है जीआई ट्रैक लॉस। क्या होता है जीआई ट्रैक लॉस? जीआई ट्रैक लॉस दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है अपर जीआई लॉस, समझ रहे हैं, एक होता है अपर जीआई लॉस, एक होता है लोअर जीआई लॉस। अपर जीआई लॉस, लोअर जीआई लॉस, ये क्या बात हुई साहब, देखिए समझिए। अपर जीआई लॉस के अंदर काउंटेबल होते हैं, अपर जीआई लॉस के अंदर क्या काउंटेबल होंगे, अपर जीआई लॉस के अंदर काउंटेबल होगा आपका वॉमिटिंग, क्या होगा वॉमिटिंग, समझ रहे हैं, गैस्ट्रिक लावाज, गैस्ट्रिक लावाज, समझ रहे हैं बात को। और अगर बात करें लोअर जीआई ट्रैक लॉस की, तो यहां पर होगा पेशेंट के डायरिया, क्या होगा डायरिया, कोलोस्टॉमी इरिगेशन, समझ रहे हैं। तो इनमें इनमें क्या हो रहा है, लोअर जीआई ट्रैक से लॉस हो रहा है। तो इन कंडीशंस में अगर आप लोगों से पूछे कि कौन सा लॉस होगा, वॉमिटिंग में पोटेशियम पे क्या फर्क पड़ेगा, गैस्ट्रिक लावाश पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर पूछे डायरिया कॉन्स्टिपेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको एक ही याद रखना है, दोनों कंडीशन में हाइपोकैलेमिया होगा। रेशनल याद रखना है दोस्तों, रेशनल याद रखना है कि जो गैस्ट्रिक रीजन होता है, गैस्ट्रिक रीजन की बात करें, रिच ऑफ पोटेशियम, दोनों तरफ से बात कर रहे हैं कि गैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, दोनों बात कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दोनों रीजन में पोटेशियम होता है। तो चाहे तो अपर जीआई लॉस हो या फिर क्या हो, लोअर जीआई लॉस हो, या तो अपर जीआई लॉस हो या फिर क्या हो, लोअर जीआई लॉस हो, दोनों के अंदर पोटेशियम का ही लॉस होगा, और दोनों कंडीशन में क्या होगा, हाइपोकैलेमिया कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ रहे हैं बात को। यहां पर आप कंटेंट को एक बार और देख लीजिएगा, यह आपके सामने हम क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैंने पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यूएशन बताई, हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया के बारे में बताया, और उसके बाद में मैंने आपको दो सूत्र लिखे, पोटेशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K और सोडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K, मतलब एल्कालोसिस होगा, क्या होगा एल्कालोसिस होगा तो पोटेशियम घटेगा, और एसिडोसिस होगा तो पोटेशियम क्या होगा बढ़ेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे मैंने इसको क्लियर करके बताया हाइड्रोजन और पोटेशियम के नाते से, समझ रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जब हाइड्रोजन आयनों का मूवमेंट, हाइड्रोजन आयनों का मूवमेंट इंट्रा सोलर से एक्स्ट्रा सोलर की तरफ होता है, तो एक्स्ट्रा सोलर से पोटेशियम आयनों का मूवमेंट एक्स्ट्रा से इंट्रा की तरफ होता है। दूसरे नंबर पे बताया मैंने जब हाइड्रोजन आयनों का मूवमेंट एक्स्ट्रा से इंट्रा की तरफ होगा, तो इंट्रा से पोटेशियम आयनों का मूवमेंट एक्स्ट्रा की तरफ होगा। अब अगर अपन बात करें कि कंडीशंस की, एल्कालोसिस में बाहर की तरफ क्या होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, तो कंपेंसेट होने के लिए हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, बाहर आएंगे। अब हाइड्रोजन आयन इंट्रा से एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो एक्स्ट्रा से इंट्रा में कौन जाएगा, पोटेशियम जाएगा, कंडीशन ठीक हो जाएगी, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करें एसिडोसिस में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। सोडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K, ये अच्छी तरीके से पता है आप लोगों को, ये बेस पॉइंट है। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अपन के कॉर्टिको, ज्यादा मात्रा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सेवन करने से, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन ज्यादा लेंगे तो सोडियम क्या होगा बढ़ेगा और पोटेशियम क्या होगा
घटेगा। और अगर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन निकलेगा तो ग्लूकोज को शिफ्ट कर देगा लेकिन पोटेशियम को एक्स्ट्रा से इंट्रा में लेकर के आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर इसको कंडीशन को हाइपोकैलेमिया करने की लीड करने की कोशिश करेगा। अब बात करें अपर जीआई ट्रैक लॉस और लोअर जीआई ट्रैक लॉस की, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चाहे तो अपर हो या लोअर हो, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशंस में ही पोटेशियम का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं आप लोगों के सामने हीमोकंसेंट्रेशन की। क्या हीमोकंसेंट्रेशन की, हीमोकंसेंट्रेशन का कंसेप्ट आप लोगों को समझना जरूरी है। हीमोकंसेंट्रेशन का मतलब होता है सापेक्षता, सापेक्षता। देखिए नॉर्मली मैं बात करता हूं, ये है आपके पास में पानी का जग और इसके अंदर ये क्या है, ये है आपके पास में कोई भी कांच की गोलियां, उदाहरण के लिए, समझ रहे हैं। और ये है इसके अंदर पानी भरी हुई कंडीशन, ये नॉर्मल है, समझ रहे हैं। एक बार के लिए अपन सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये हुआ फिर अगेन पानी का जग, ट्रांसपेरेंट, और ये रहा इसमें मैंने पहले कंडीशन में पानी क्या कर दिया है, ज़्यादा मात्रा में भर दिया है, तो ये ज़्यादा मात्रा में मैं पानी भरा, और यहाँ पर ये फिर से मैंने क्या रख दिए हैं, कांच की गोलियाँ, समझ रहे हैं। और तीसरे जग के अंदर मैंने कांच का जग सेम रहा और अब क्या करा है तीसरे में पानी की मात्रा क्या कर दी है, बिल्कुल कम कर दी है, और ये रही आपके पास में कांच की गोलियाँ, समझ रहे हैं। तो अब इसको मेडिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये है अपनी ह्यूमन बॉडी, ये क्या है अपनी ह्यूमन बॉडी, और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बार के लिए अपन ये रख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या फिर अपन आरबीसी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आरबीसी कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लूड भरा हुआ है। अब मानिए कि फ्लूड ज़्यादा हो गया, मतलब इस पेशेंट को क्या हो गई, ओवर हाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ओवर हाइड्रेशन हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस पेशेंट में, पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो गौर से समझने की कोशिश करें और अपने दिमाग और दिल में समझ लें कि जैसे पानी की मात्रा बढ़ी उसके अनुपात कांच की गोलियां क्या हो गई, कम हो गई। देखने में क्या हो रही, कम, क्योंकि पानी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, कांच की गोलियां क्या हो गई, कम हो गई। तो सापेक्षता के आधार पर अपन ये कहते हैं कि ओवर हाइड्रेशन में आरबीसी की परसेंटेज क्या हो गई है, घट गई है, और डिहाइड्रेशन में आरबीसी की परसेंटेज पानी की अपेक्षा क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं कि ओवर हाइड्रेशन में आरबीसी परसेंटेज का घटना मतलब हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है, घटती है, तथा डिहाइड्रेशन में परसेंटेज ऑफ आरबीसी का बढ़ना मतलब हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहां पर ये मान लीजिए आपके सामने क्या है साहब, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है ये हैं आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये रही आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब आप खुद को देखिए कि जब पानी बढ़ जाएगा तो पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवर हाइड्रेशन में या फिर क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा, घट जाएगा। डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूँ, कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सापेक्षता के आधार पे बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ इस हीमोकंसेंट्रेशन कंटेंट को आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि किसी पेशेंट को वाटर इंटॉक्सिकेशन हुआ है, क्या हुआ है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हुआ है, इसका मतलब वाटर इकट्ठा होने लग रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, सोडियम क्या होगा, घटेगा, पोटेशियम क्या होगा, घटेगा। एम आई क्लियर और नॉट, ये किस में देखने को मिलता है, सब बच्चों को अच्छी तरीके से पता है, SIADH के अंदर, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायुरेटिक हार्मोन, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से पता है, इसके अंदर पेशेंट को ऑलिग्यूरिया होता है और इस पेशेंट में क्या होता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है और हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि हाइपोनेट्रेमिया क्यों देखने को मिलता है, तो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए अब आप लोगों को कि ये क्यों होगा। आप लोग तुरंत आंसर देंगे साहब, ये तो हीमोकंसेंट्रेशन के कारण से हो रहा है। एम आई क्लियर और नॉट, तो हीमोकंसेंट्रेशन कंटेंट को समझने की कोशिश करें, इन चीजों को रटेनी, ये बहुत काम की चीज है, समझ रहे हैं बात को। अब बात करते हैं कुछ ईसीजी साइंस की। ईसीजी साइंस की अगर बात कर लें तो ईसीजी के अंदर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको दो वाक चीजों को याद रखना है, पोटेशियम इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन प्रोपोर्शनल, पोटेशियम इज प्रोपोर्शनल टू टी। देखिए अब अगर अपन बात करें कि जब पोटेशियम की वैल्यूएशन क्या होगी, बढ़ेगी, पोटेशियम की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो टॉल टी के देखने को। चलो इससे पहले आपको मैं एक वर्क बताता हूँ, यहाँ पर ईसीजी से पहले मैं आपको एक कंडीशन बताने की कोशिश करता हूँ
और वो कंडीशन आपके पास में साइन सिम्टम्स के अंदर, तब लेंगे अपन लोग साइन सिम्टम्स के बाद में ईसीजी पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर साइन सिम्टम्स को याद करने के लिए तीन लाइनें याद रख लो, 1, 2 और 1, 3, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर। अब साइन सिम्टम्स में आप लोग रटते रटते थक जाते हैं कि कैसे इनको याद करेंगे, तो सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को याद करने का, तीन लाइनों को याद कर लीजिए, सिर्फ तीन लाइनों को। यहां पर बोलेंगे पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे याद कर लीजिए पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तीसरे नंबर पर याद रखें पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये नॉर्मल वर्क है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। बस तीन चीजों को आपको याद रखना है, इनको अप्लाई कर लेंगे अपन। अब पहले तो अप्लाई कर लेते हैं अपन इस कंटेंट को, देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये आपके सामने क्या है, ये आपके पास में हार्ट है, और ये हार्ट के अंदर क्या आ रही है, सुपीरियर वेना कैवा आ रही है और इन्फीरियर वेना कैवा आ रही है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, ऑल ऑफ योर नोज वेल, यहाँ से क्या निकल रहा है, अरोटा निकल रहा है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को अब अच्छी तरीके से पता है कि पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होगा, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब अगर पेशेंट के पोटेशियम में कमी आ रही है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन घटेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन घटेगा, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का घटना। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और जब स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा तो इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा, घटेगा। एम आई क्लियर और नॉट, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखने की जरूरत पड़ी। दूसरे नंबर पे देखें, यहां पर कह रहे हैं पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बताया था ना स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब स्मूथ मसल्स किसकी, ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है। तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब जो स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपको अच्छे तरीके से पता है कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे पोटेशियम। अब अगर यहां पर से स्मूथ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, अब पोटेशियम कम है तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, एसएमसी मतलब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो यहां से यहां पर ब्लड का ड्रेन क्या होगा, कम होगा। अब यहां से यहां कम होगा तो फाइनली आगे की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, समझ रहे हैं। तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कम होना तथा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होना, इन दोनों के मिलने के एक साथ मिलने के प्रभाव से पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है, क्या होता है, ऑर्थोस्टेटिक, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर स्मूथ वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन में कमी आ रही है, मतलब रिटर्निंग सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ब्लड ड्रेन होगा, किसमें, राइट एट्रियम में, तो एक तरफ तो ड्रेन भी कम हो रहा है और एक तरफ से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, तो दोनों के मिलने के इफेक्ट से, दोनों के मिलने के इफेक्ट से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, इसे ही अपन बोलते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन, समझ रहे हैं। तो आपके जो सॉन्डर्स की बुक में जितने भी साइन सिम्टम्स लिख रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग के एकदम क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हैं। आप लोग सॉन्डर्स की बुक में उठा करके देखें जितने भी कॉजेज जो बताए वही कॉजेज हैं, जितने भी साइन सिम्टम्स हैं वही साइन सिम्टम्स हैं, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये क्यों हो रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे बात करें पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर, पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो आप बोलेंगे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में कमी होने के कारण से अब क्या होने वाला है दोस्तों, नया कुछ, पहले तो रेस्पिरेटरी मसल्स की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स में कमी के कारण से पेशेंट के अंदर सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, पोटेशियम की क्या होगी, कमी होगी, तो पेशेंट में कैसा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। इसके अंदर पैरालिसिस देखने को मिलेगा, किस प्रकार का, फ्लैसिड पैरालिसिस, कौन सा, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। फ्लैसिड दो प्रकार के पैरालिसिस होते हैं, पैरालिसिस यहां पर अपन ने लिख दें तो दो प्रकार के, एक तो फ्लैसिड, क्या,
फ्लैसिड, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें आप लोग, फ्लैसिड पैरालिसिस क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस क्या होता है, फ्लैसिड और स्पास्टिक पैरालिसिस, पैरालिसिस समझ रहे हैं आपको। तो यहां पर फ्लैसिड पैरालिसिस और स्पास्टिक पैरालिसिस, पैरालिसिस समझ रहे हैं। तो फ्लैसिड पैरालिसिस में मसल टोन क्या हो जाती है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डालना है फटाफट से, और फ्लैसिड पैरालिसिस में मसल टोन क्या हो जाती है ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डालना है, बढ़ती है घटती है। तो यहां पर आप लोगों के सामने फ्लैसिड पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन में कमी के कारण से, और यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होगी, कमी होगी। जब पेशेंट का पोटेशियम कम है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कमी होगी, तो पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होगा। समझ रहे हैं बात को, इस कॉन्स्टिपेशन के कारण से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, और इस एब्डोमिनल डिस्टेंशन में एब्डोमिनल क्रैम्प होगा। 7-star point क्वेश्चन, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि साहब एग्जामिनर के पास में, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस हाइपोकैलेमिया के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इस जो क्वेश्चन है ये इतना उसको पसंद आ चुका है कि इसके परिवार का कोई सदस्य हो और वो ये क्वेश्चन ऐसा मतलब ऐसा सेट करता है एग्जाम में यार, कि मान लीजिए कि हर पेपर के अंदर ये चीज़ पूछता है कि हाइपोकैलेमिया के अंदर निम्न में से कौन सा साइन देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों को रटना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया है इसका पोस्टमार्टम, समझ रहे। तो हाइपोकैलेमिया में क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्यों आपको क्लियर है। बस आपको एक चीज करनी है और वो है इन तीनों के ऊपर रिसर्च, इन तीनों के ऊपर रिसर्च कर लोगे, जितने भी साइन सिम्टम्स हैं इन तीनों में से ही आप लोगों के निकल करके आएंगे, समझ रहे हैं बात को। फाइनली अगर अपन बात करने की कोशिश करें इस पेशेंट के लिए, तो यहां पर पेशेंट के अंदर आगे की तरफ देखने को मिलेगा, और वो है इंटरवेंशन में बात करें, इंटरवेंशन बात करें तो सबसे पहले पोटेशियम कंटेनिंग फूड देना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। पोटेशियम कंटेनिंग फूड एग्जांपल के तौर पे पोटेशियम कंटेनिंग फूड क्या होता है, बनाना होता है। दूसरे नंबर पे पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूड देना चाहिए, क्या देना चाहिए, पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूड देना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वो क्या होगा, उदाहरण के लिए RL होगा। नेक्स्ट नंबर पे पोटेशियम कंटेनिंग IV पुश होना चाहिए, IV फ्लूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, IV फ्लूड होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब यहां पर आपको याद रखना है IV पुश नहीं करना है, IV पुश नहीं करना है, पहली बात, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे सबक्यूटेनियसली नहीं देना है, इंट्राडर्मली नहीं देना है, इंट्रामस्कुलरली नहीं देना है, समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्लेबाइटिस कॉज करेगा, क्या करेगा, फ्लेबाइटिस कॉज करेगा, यहां पर मसल इरिटेशन करेगा, क्या करेगा, मसल इरिटेशन करेगा। हमेशा क्या करना है, पोटेशियम को हमेशा याद रखें, पोटेशियम को क्या करेंगे आप लोग, डाइल्यूट करेंगे, पोटेशियम को डाइल्यूट करना है NS में, ये याद रखना। आपको डाइल्यूट रेंज होनी चाहिए 1 mEq/10 mL की रेंज से आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। नेक्स्ट नंबर पे बोले फ्लोरेट, तो 10-15 mEq/hr, 10-15 mEq/hr, नेवर एक्सीड, नहीं ज्यादा बढ़ानी है, नेवर एक्सीड 15 mEq/hr से। और सबसे बड़ी बात, पोटेशियम को इन्फ्यूज करने से पहले, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को वेल शेकअप करना है, क्या करना है, वेल शेकअप करना है, संग में क्लोजली मॉनिटर करना है। जब किसी पेशेंट को पोटेशियम चढ़ा रहे हो तो क्लोजली मॉनिटर करना है। और अगर आपको बात करें तो यहाँ पर एक स्पेशल पोटेशियम कंटेनिंग, या फिर स्पेयरिंग, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी आप एडमिट कर सकते हो। दो प्रकार के होते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक्स। अगर मैं बात करूँ, ये है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये है पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयर मतलब ये क्या करेगा, ये करेगा बढ़ाएगा पोटेशियम को, क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे आप लोग, स्पाइरोनोलैक्टोन, क्या बोलेंगे आप लोग, स्पाइरोनोलैक्टोन। यहां पर पोटेशियम लूजिंग डायुरेटिक्स का नाम क्या होगा, कैग्जिलेट। अब कोई पेशेंट है जिसको हाइपोकैलेमिया हुआ है तो क्या देंगे आप लोग, स्पाइरोनोलैक्टोन। कोई पेशेंट है
जिसको हाइपरकैलेमिया हुआ है, तो आप क्या देंगे इसको? कैक्सिलेट। दूसरा नाम याद रखना है, दूसरा नाम क्या है? सोडियम पॉलिस्टरीन सल्फोनेट, सोडियम पॉलिस्टरीन और सल्फोनेट, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अपने थ्योरी सेशन को आप कंटिन्यूअसली अपने थ्योरी सेशन के द्वारा अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहें। रेगुलरली आप लोगों के लिए क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं, और इस दीपावली के पर पे एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, इस दीपावली पर पे आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, उत्कर्ष नर्सिंग परिवार आप लोगों के लिए लाया दिवाली महाधमाका। याद रखें डेट को, 10 से 15 नवंबर 2023 दीपावली महाधमाका ला रहा है, विद्यार्थियों की मांग पर ला रहा है आपके सामने दीपावली महाधमाका। नर्सिंग के किसी भी कोर्स के ऊपर अगर आप लोग अभी परचेस करते हैं विद इन द डेट्स, तो आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, और संग में एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी देखने को मिलेगी। अब मत कहना कि भैया हम फिर से चूक गए, क्यों? क्योंकि जब भी इसकी वैलिडिटी डेट्स दी जाती है, जब बच्चे नहीं खरीदते हैं, लास्ट में जाकर के बोलते हैं कि हम क्या है दोबारा से ऑफर को निकालिए, तो ऐसा नहीं होता है। बढ़िया ऑफर है, और आप लोग यहाँ पर कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं टीचरों के द्वारा, आपको पता है टीचर किस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो जो भी कोर्स आपको लेना है, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा आपको एक प्रॉफिट दे रहे हैं उत्कर्ष परिवार, आप लोगों के लिए दीपावली महादवा का लेकर के आ रहे हैं, और इसके अंदर हर प्रकार के कोर्सेज के अंदर उत्कर्ष से संबंधित, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, और उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के अंदर जो भी ऐप के ऊपर जो अवेलेबल है उसके अंदर 90% तक का ऑफ मिल रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, संग में आपको मिल रही है 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये है आप लोग के लिए बंपर प्राइस, समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें नॉर्थ सेट का, जो ओरिजिनल प्राइस ऑफर है 23,000, उसको रखा गया है ऑफर प्राइस मात्र। डेट याद रखना, डेट मत भूल जाना, आज कौन सी डेट है याद रखेंगे, आज कौन सी डेट है, कितने दिन लेफ्ट बच रहे हैं देख लीजिए, बस टाइम आने वाला है। तो 10 से 15 नवंबर 2023 तक जिन बच्चों ने नहीं लिया है, फटाफट से ले लें इस कोर्सेस को, समझ रहे? तो नॉर्थ सेट का लेना है तो 5,500 रुपए के अंदर अवेलेबल है आपको, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का कोर्स अवेलेबल है आपको 1,500 रुपीज के अंदर। KGMU की बात करें तो KGMU के आपका कोर्स मिल रहा है 1,500 रुपीज के अंदर ओनली। GNM की बात करें तो GNM का कोर्स मिल रहा है आपको 1,000 रुपीज के अंतर्गत, समझ रहे हैं बात को? और बात करें तो नॉर्थसेट MCQ बैच ओनली 1,000 रुपीज के अंदर अवेलेबल है, पर डेट फिर मत भूल जाना। डेट कितनी है? डेट 10 से और 15, बिल्कुल अब नियर बाय कंप्लीटेड होने वाली है डेट, तो गड़बड़ ना करें, समझ रहे हैं बात को? तो MPCHU रिकॉर्डेड बैच, MPCHU की वैकेंसी खुल चुकी है, तो आपको यहां पर ये जो बेस्ट प्राइस मिल रही है वो 2,000 रुपीज के अंदर मिल रही है। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैं विदा चाहूंगा, कल आप लोगों से दोबारा सेम टाइम पे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, और फाइनली शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली और सुरक्षित दीपावली। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।